lion. Agar sade seene ch jeet le o baazi. World Cup का 2400 मुकाबला इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच मैनचेस्टर में खेला जाएगा। दोनों टीमों के प्रदर्शन में काफ़ी अंतर नज़र आ रहा है, खासकर इस वर्ल्ड कप में। अगर देखें तो इस वर्ल्ड कप में अब तक इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड ने 4 मैच खेले हैं, जिसमें उन्हें पाकिस्तान से 14 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका को 104 रनों से, बांग्लादेश को 106 रनों से और वेस्टइंडीज़ को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। हालांकि इंग्लैंड के लिए एक परेशानी की बात यह है कि उनके ओपनिंग बल्लेबाज जेसन राय और कप्तान इयान मॉर्गन इंजर्ड चल रहे हैं, जिस वजह से वो अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में नहीं खेलेंगे। तो ऐसे में ये पूरी संभावना है कि जॉस बटलर जो है वो कप्तानी करते हुए नज़र आ सकते हैं और उनकी कप्तानी में बदली हुई टीम इंग्लैंड की जो है वो मैदान पर उतरेगी। ऐसे में उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो होगी इन दो खिलाड़ियों के बगैर टीम की जीत की जो लय है उसको बरकरार रखने की। वहीं अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की टीम ने इस वर्ल्ड कप में कुछ स्पार्क तो दिखा उनके में, और कुछ उनके जो खिलाड़ी हैं, कुछ राशिद खान, मोहम्मद नबी या गुलबदीन नेब जैसे जो खिलाड़ी हैं, इनका कुछ एक मैचेस में परफॉर्मेंस तो दिखा, लेकिन टीम की सबसे बड़ी परेशानी यही कि वो एकजुट होकर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है, जिस वजह से टीम को लगातार हार का सामना करना पड़ा है। टीम ने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं और चारों में उसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और अगर बात करें उनके आंकड़ों की, तो टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 7 विकेट से, श्रीलंका के हाथों 34 रनों से, न्यूजीलैंड के हाथों 7 विकेट से और साउथ अफ्रीका के हाथों 9 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। अफगानिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप में अब भी अपनी पहली जीत की तलाश में है। वही अगर बात करें वर्ल्ड कप के इतिहास की, तो वर्ल्ड कप के इतिहास में ये दोनों टीमें साल 2015 के वर्ल्ड कप में एक भिड़ी थी, जिसमें इंग्लैंड की टीम ने डकवर्थ लुईस नियम के तहत अफगानिस्तान को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान की टीम अपनी पहली जीत की तलाश में है, ऐसे में इंग्लैंड उनको हल्के में नहीं लेना चाहेगी। वहीं अफगानिस्तान की टीम पूरी पुरजोर कोशिश करेगी इंग्लैंड के खिलाफ उलटफेर कर अपना से पहली जीत हासिल करने की, बल्कि उसकी वर्ल्ड कप में जो बची कुची जो संभावनाएं हैं उसे ज़िंदा रखने की। तो फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक भी कर सकते हैं, साथ ही इंडिया न्यूज़ के स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप से जुड़ी हर एक अपडेट हम आपको इस प्लेटफॉर्म के जरिए दे रहे हैं। साढ़े सीने जित ले ओ बाजी।